हेलो सिक्स क्लास, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। बच्चों आज आपका इंग्लिश का टर्न है, तो निकालेंगे अपनी इंग्लिश की बुक्स। बच्चों ओपन पेज नंबर 73, चैप्टर नंबर 13, द लॉस्ट बॉल। तो बच्चों इसमें हम पढ़ेंगे दीपक की कहानी। दीपक एक बच्चा है जिसकी एक बॉल होती है, वो खो जाती है, तो उस कहानी को हम पढ़ेंगे। बहुत अच्छी कहानी है ये। तो दीपक के जो फादर होते हैं वो उसको उसके बर्थडे पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी फुटबॉल गिफ्ट करते हैं। देखें हम फोटो में फुटबॉल, वो श्योर होते हैं क्योंकि ना दीपक को ना फुटबॉल खेलना बहुत पसंद होता है। तो जो दीपक है वो बहुत खुश होता है फुटबॉल लेकर। वो अपने फ्रेंड्स को हमें दिखाता है, वो फुटबॉल ग्राउंड में जाता है और उनके साथ खूब खेलता है। तो एक दिन दीपक जो होता है ना, बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो अपनी चीजें हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करता था। अब एक दिन क्या होता है, एक बच्चा उसकी फुटबॉल को बहुत जोर से किक कर देता है। मतलब फुटबॉल तो पैरों से ही खेलते हैं ना बच्चों, तो उससे ज्यादा जोर से किक हो जाती है और वो बुशेज यानी कि झाड़ियों में चली जाती है बॉल और दिखना बंद हो जाती है। तो वो बच्चे फिर उस बॉल को ढूंढते हैं लेकिन वो बॉल उनको कहीं भी नहीं मिलती। जो दीपक के दोस्त होते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं और दीपक को वो फुटबॉल क्योंकि उसके पापा ने दी होती है तो बहुत ज्यादा पसंद होती है, बहुत प्रिय होती है उसके लिए। तो दीपक जो होता है ना वो इतना अच्छा होता है कि उसके दोस्त से गलती से वो बॉल चली गई तो वो उसने दोस्त को डांटता नहीं है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया या कुछ भी, उसको नहीं कहता। तो दीपक का जो दोस्त होता है वो कहता है सॉरी यार मेरे से गलती से तुम्हारी बॉल चली। तो वो कहता है कोई डोंट वरी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अगर हम खेल रहे थे तो वो तो किसी से भी हो सकता था, वो तुमसे लग गई, क्या पता शायद वो मुझसे भी लग सकती थी। तो दीपक इतना अच्छा होता है कि देखते हैं चलो अब जब हमारे पास कोई दूसरी बॉल आएगी ना हम जब उससे खेलेंगे, वो ऐसे सोच लेते हैं। अब एक दिन क्या होता है, काफी दिन बीत जाते हैं, एक दिन दीपक और उसके दोस्त वहां पर खेल रहे होते हैं तो वो देखते हैं एक बच्चा फुटबॉल से खेल रहा होता है, वही फुटबॉल होती है। तो वो भाग कर उसके पास जाते हैं कि ये तुम कहां, तुम्हें कहां से मिली। दीपक कहता है ये तुम कहां से मिली। तो वो लड़का कहता है कि क्या ये तुम, दीपक पूछता है क्या ये तुम्हारी है। तो कहता है हाँ ये मेरी बॉल है। तो वो लड़का फटाफट से बॉल दीपक को दे देता है कि ये मुझे ना वहां पर पड़ी हुई मिली थी कुछ दिन पहले और मैं इनसे खेलने लगा, लेकिन तुम अपनी बॉल ले लो। वो दीपक उस लड़के को देखता है तो वो लड़का बेचारा बहुत गरीब होता है, कपड़े भी ठीक से पहने नहीं होते, फटे हुए से कपड़े पहने होते हैं और बहुत गरीब होता है। तो जब जैसे ही वो दीपक को बॉल देता है ना तो उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाते हैं। वो कहता है कि थैंक यू तुम, थैंक यू। तो कहता है, दीपक पूछता तुम रो क्यों रहे हो। तो कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास फुटबॉल खरीदने के पैसे भी नहीं है, मेरे पापा के जितना कमाते हैं वो सब हमारा खाना पीना आता है उसमें खर्च हो जाता है, और काश मेरे पास भी ऐसे टॉयज होते। तो लड़का रोने लगता, तो दीपक को बहुत बुरा लगता, वो कहता है तुम एक काम करो तुम ये मेरी बॉल तुम रख लो। तो लड़का कहता है नहीं नहीं मैं ये बॉल नहीं रख सकता, लेकिन हाँ अगर तुम चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, क्या मैं तुम्हारे साथ रोज यहाँ पर आकर खेल सकता हूँ, क्या मैं रोज यहाँ आकर खेल सकता हूँ तुम्हारे साथ और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दीपक कहता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, जब हम लोग खेलते तुम भी आ जाया करो, तो शाम को आ जाया करना। तो उस दिन से फिर दीपक के साथ वो बच्चा खेलने के लिए आया करता था, जब से वो लोग सब साथ खेलते थे। तो इस स्टोरी से हमें कितना अच्छा लेसन मिलता है ना कि हमको हमेशा अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए, क्योंकि दीपक बहुत अच्छा था, शेयर करता था चीजों को, इसलिए भगवान जी ने भी उसकी बॉल उसको दे दी। तो हम अपनी इसकी एक्सरसाइज करेंगे, देखिए ओके पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ये हैं आपकी वर्ड मीनिंग्स। पॉज द वीडियो एंड नोट देम डाउन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।